गुड इवनिंग. दिस इज दी कॉन्टिन्यूशन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज. इट्स मिसलिनियस ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर्स क्लास 12. वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 9th एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10th. सो अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 10th? द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i कैप -4j कैप +5k कैप एंड i कैप -2j कैप -3k कैप. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया. मैं आपको डायग्राम बना के चीज समझाने की कोशिश करता हूँ. क्वेश्चन नंबर है ये 10th और ये है मिसलिनियस, राइट? चैप्टर 10 वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर है ये 10th. सबसे पहले मैं चाहूंगा एक रफ फिगर आप बना लीजिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए. एक यहाँ पर पैरेललोग्राम है ABCD. अब ध्यान से देखिए, दो एडजेसेंट साइड साथ साथ वाली साइड, मतलब एक साइड ये ए बी मान लीजिए वेक्टर ए है, और वैसे पैरेललोग्राम की दोनों साइड आपको पता है अपोजिट वाली बराबर होती है. अगर आप इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओगे कि ना, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा, और अगर ये ऐसे होंगे एरो, अगर ये वाली बी है तो अलंकृत ये अपोजिट वाली भी बी होगी, और ए बी अगर ए है तो ये भी ए होगी. और ये जो वेक्टर ए और बी की वैल्यूज हैं, ये एक दे रखी है 2i -4j +5k, और एक वेक्टर बी हमें कितना दिया हुआ है, i -2j -3k. हमें यूनिट वेक्टर बताना है जो पैरेलल हो किसके, डायगोनल के, ये ध्यान रखना, और हमें इसका एरिया भी निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले इसका डायगोनल हम निकाल लेते हैं. फिगर में तो मैंने लिख ही दिया है अलंकृत कि इसका डायगनल क्या है. इसका डायगनल जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है. आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3i -6j +5 -3 2k हो जाएगा इसका डायगनल, ठीक है? Yes. और अगर आप इसके डायगनल का मॉडुलस निकालोगे ए प्लस बी का, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो रूट ऑफ 49 हो जाएगा, राइट? और रूट ऑफ 49 आपको पता क्या होगा, 7 यूनिट होगा. तो अब आपको आप यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायगनल के अक्रॉस, मतलब ये जो इसका डायगनल था मैंने नाम उसे AC के अक्रॉस यूनिट वेक्टर निकालना है. तो आपको फॉर्मूला पता है अलंकृत, AC वेक्टर अपॉन में इट्स मॉडुलस. AC कितना आया हमारा वेक्टर? AC वेक्टर है 3i माइनस 6j प्लस 2k. यस. और इसका जो मॉडुलस है वो हमारा कितना आया, 7 यूनिट आया. तो यूनिट वेक्टर AC के अक्रॉस हो जाएगा 3/7i -6/7j +2/7 के आ जाएगा, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है. अब उन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और पैरेललोग्राम का एरिया आपको पहले ही पता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालूंगा. उसके लिए मुझे ऐसे आई जे के लिखने पड़ेंगे, और वेक्टर ए था 2 -4 5, और वेक्टर बी था 1 -2 और -3. अब इसे सॉल्व करते हैं. आई जब ले रहे हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो. ये -4 × -3 हो गया +12, ये -10 हो गया यानी कि +10. माइनस में जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 2 × -3 -6 -5 हो गया. प्लस के -4 -4 ये हो गया. तो ये कितना आ गया भाई, 22i आ गया, -11 × -1 +11j आ गया, और +0k आ गया, राइट? तो 0k तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है? तो अब हमें एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम ABCD का. बेस इनटू हाइट होता है वैसे नॉर्मली पैरेललोग्राम का, पर वेक्टर टर्म में हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर
ये आ गया 484 प्लस 121, कितना आ गया ये, चार और एक पांच, आठ और दो दस, दो चार छह, 605। इसके फैक्टर अगर बनाओगे अलंकृत तो ये बनेंगे 11 × 11 × 5, 121 × 5 = 605। मतलब आंसर आ जाएगा 11√5, क्योंकि ये एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अलंकृत मैं चाहूंगा आप 11 क्वेश्चन पढ़ें। Show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are plus minus 1/√3 or 1/√3। तो direction cosine किसी भी vector के जो equally inclined हो axis पर वो दिया हुआ है OX, OY और OZ, वो हमें prove करने हैं, वो 1/√3 और 1/√3 है। मैं board wrap कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, थोड़ी स्टेटमेंट मैं चाहूंगा आप लिखें। लेट कर लीजिए A1, A2 और A3, ये जो हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर, और ये भी दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है सारी एक्सिस के टूवर्ड्स। तो इसका हम ये मान सकते हैं कि ये A1 और A2 और A3 आप मान लीजिए स्मॉल p के इक्वल है, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो वेक्टर A जो हो जाएगा वो जाएगा pi प्लस pj प्लस pk। और अगर आप इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना चाहें तो वो p² + p² + p² हो जाएगा, यानी कि √3p² हो जाएगा, यानी कि वो √3p हो जाएगा। नेगेटिव वाले को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अलंकृत पता ही है, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। गिवन वेक्टर था आपका pi प्लस pj प्लस पी के, और मॉडुलस उसका आया √3p। इसे ऐसे लिखिए p/√3p (i) + p/√3p (j) + p/√3p (k). पी से पी काटो, पी से पी यहां भी कटा और यहां भी कटा, तो आंसर आ गया 1/√3i प्लस 1/√3j + 1/√3k। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस ये जो तीनों आ गए 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये क्या आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ठीक है, ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस के, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है क्लास, अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप 12th क्वेश्चन रीड करें। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 4j कैप + 2k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप - 2j कैप + 7k कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप - j कैप + 4k कैप। Find a vector D vector which is perpendicular to both A vector and B vector, and C vector dot D vector is 15. मैं क्वेश्चन आपके लिए पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12th। इसमें कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि वेक्टर A, वो दिया हुआ है i + 4j + 2k। वेक्टर B दिया हुआ है 3i - 2j + 7k। वेक्टर सी दिया हुआ है 2i कैप भी बोल सकते हैं आप इसे, राइट, 2i, मैं जरा i j k ही बोलता हूं, मैंने पहले भी ये बातें बताई हैं आपको। वेक्टर ए बी और सी दिया, वेक्टर डी हमें निकालना है जो परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के। ठीक है ना,
और दूसरी बात ये भी हमें दिया हुआ है कि सी और डी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 15 दिया हुआ है। तो लेट कर लो वो जो वेक्टर डी है जो परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के, उसे मैं मान रहा हूं डी वन आई प्लस डी टू जे प्लस डी थ्री के। अब साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर डी है ये परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए के, ठीक है ना। तो और वेक्टर ए की वैल्यू आपको पता ही है, आई प्लस फोर जे प्लस टू के, राइट राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि और डॉट प्रोडक्ट मेरे ख्याल से क्या होता है, जीरो होता है अगर दो आपके वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये डी वन इंटू वन डी वन आई, मतलब आई इंटू आई तो वन होता है ना, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा डी वन प्लस फोर डी टू प्लस टू डी थ्री इक्वल टू में जीरो, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। आई होप सभी को डॉट प्रोडक्ट आता है, मिसलिनियस के लास्ट बिल्कुल हम क्वेश्चंस पे है, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है कि ये वेक्टर ना भी लिखो डायरेक्टली, कि यही वेक्टर डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के भी, ठीक है। तो इसका भी यही मतलब है कि यही जो वेक्टर डी था, ये डी है राइट, डी वन या डी है, ये वेक्टर डी और ए आपस में क्या थे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो था। अब वेक्टर डी और बी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये हो जाएगा थ्री डी वन। इसका फर्दर क्या मतलब है, बोलिए अलंकृत, क्या हो जाएगा ये, थ्री डी वन, थ्री डी वन माइनस टू डी टू प्लस सेवन डी थ्री, प्लस सेवन डी थ्री, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई वन होता है, जे इंटू जे वन होता है और के इंटू के वन होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमारे जीरो होते हैं। अब ये दो इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार मतलब फिर से लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन, क्योंकि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करने वाला हूँ। वैसे तो मेथड तो बहुत सारे हैं इसे करने के, पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यू नो बढ़िया हो जाता है। जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद नहीं है कैसे होता है, उन्हें भी मैं सिखा दूंगा साथ साथ। वैसे तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब डी वन होता है तो इस पे आप हाथ रख लो, इसे मत देखो, ठीक है ना। डी वन के एलिमेंट्स पे हाथ रख लो तो आपको वर्टिकली क्या नजर आएगा, फोर माइनस टू टू और सेवन। अब मेरी हैबिट है, कई बुक्स में इसे प्लस डी टू लिखते हैं पर मैं माइनस डी टू लिखता हूँ, ठीक है, उसका एक रीजन है, ठीक है। मैंने जैसे सीखा था स्टूडेंट लाइफ में वैसे। अब ये डी टू पे इस पे हाथ रख लो आप तो आपको वर्टिकली क्या दिख रहा है, वन थ्री टू और सेवन, ठीक है। और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसमें, यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, डी थ्री के एलिमेंट पे हाथ रख लो तो वर्टिकली दिख रहा है वन थ्री फोर और माइनस टू। याद रखना ये सारी टर्म लेफ्ट में होनी चाहिए। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, पहले फोर इंटू सेवन होगा ये 28, फिर माइनस का साइन एक आएगा और 2 इंटू माइनस टू यानी कि माइनस फोर, तब ये 21 प्लस 4 आएगा, ये माइनस डी टू। हमेशा पहले लेफ्ट टू राइट होती है मल्टीप्लाई, 17 द 7 फिर माइनस 3 इंटू 2 6 और ऐसे ही 1 इंटू माइनस टू माइनस टू माइनस 12, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं यही कर रहा हूँ ये स्टेप, ये हो जाएगा डी वन ओवर 32, साथ साथ करते रहिए, इक्वल टू माइनस डी टू ओवर 1 इक्वल टू डी थ्री ओवर कितना आया, ये माइनस 14 आया, राइट ओके। अब इसे हमने क्या माना था, अगर ध्यान हो आपको P माना था। अब इसे नंबर दे दो एक बार, 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। अब मैं अलंकृत नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूँ, पर एक काम मैं कर सकता हूँ, आपने लिखा है कहीं, या चलो मैं यहीं से वैल्यू लिख देता हूं। अगर आप 3 और 6 को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, डी वन अपॉन 32 जो है वो हमारा पी आएगा। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी वन कितना आ जाएगा, 32 पी आ जाएगा, राइट। एक ये चीज नोट कर लो। ऐसे ही अगर आप 4 और 6 को कंपेयर करोगे तो माइनस डी टू अपॉन 1 इक्वल टू होगा पी, राइट।
ये ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से d2 कितना आ जाएगा, माइनस p आ जाएगा, ठीक है ना। अलंकृत इस सारी वैल्यूज नोट करो, d1 है 32p, d2 है माइनस p, राइट। और ऐसे ही अगर 5 और 6 को आप लेते हो तो ये आ जाएगा d3 अपॉन में -14, ये हमारा p आ जाएगा, तो d3 कितना आ जाएगा, -14p आ जाएगा। आई होप आपने सारा नोट कर लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, d1 कितना आया, d1 आया 32p, d2 माइनस पी, और d3 आया -14p, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूँ, ओके। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर d अगर आपको ध्यान है तो वो था d1i, मैं लिख देता हूँ एक बार, है d1i था प्लस d2j था प्लस d3k था। अब बताओ d1 के प्लेस पे क्या आया, d1 की जगह 32p इंटू आई माइनस, d2 की जगह -p आया, और ये कितना आया, -14p इंटू के आया, ठीक है। अब ये चीज आ गई, वेक्टर d हमारे पास आ गया, और वेक्टर c हमारा क्या है, वेक्टर c हमारा क्या है, क्योंकि ये दिया हुआ था c डॉट d जो है 15 दिया हुआ था। वेक्टर c अगर आपको ध्यान हो तो वो था 2i माइनस j प्लस में 4k, ठीक है ना। और c डॉट d कितना दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। c के प्लेस पे आप प्लीज लिखिए 2i माइनस j प्लस 4k, डॉट में d के प्लेस पे लिखिए 32 pi माइनस pj माइनस 14 pk, ये फर्दर किसके इक्वल दिया हुआ है, 15 के। अब भैया इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये 2 इंटू में 32p कितना हो गया, 64p माइनस जे इंटू माइनस पी जे, ये हो जाएगा प्लस पी, और ये 4 इंटू माइनस 14p, ये हो जाएगा -56p। बार बार कह रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट में i इंटू आई 1, j इंटू जे 1, k इंटू के 1 होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0 होते हैं। तो ये आ गया 65p, 65p माइनस 56p इक्वल टू आ गया 15, तो ये आ गया 9p इक्वल टू 15, और p हमारा कितना आ गया अलंकृत, 15/9, यानी कि 5/3। इसके बाद ध्यान से देखिए, p आपके पास आ गया, तो वेक्टर d अगर आपको ध्यान हो वो था d1i प्लस d2, मतलब ये था, मैं एक बार लिख देता हूं, 32 pi माइनस pj माइनस 14 pk था, राइट। अब p की क्या वैल्यू आई है भाई, 5/3 लिखी है p की जगह, i माइनस ये हो गया 5/3 j माइनस 14 इंटू 5/3 और k, ठीक है ना, ये चीज आ गई। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे, अलंकृत वेक्टर d हमें निकालना था मेन, वो आ गया 160/3 i, पढ़ो 160/3 i माइनस 5/3 j 70/3 k, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप नेक्स्ट यानी 13 क्वेश्चन रीड करें। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर एक वेक्टर दिया i प्लस j प्लस k, उसका किसी यूनिट वेक्टर के साथ जो सम दे रखा है 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k का, वो फर्दर 1 के इक्वल है, ठीक है। तो करते हैं इसे, क्वेश्चन पढ़ते रहिए बुक में से। पहले जिन वेक्टर्स के सम की बात किया उसका सम निकालते हैं, 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इनका सम निकालते हैं। सम के लिए ऐसे पेयरिंग कर लेना, ii की कट्ठी, jj की कट्ठी और k और k की कट्ठी, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा टाइम्स आई, और ये है 4 प्लस 2 इंटू जे
और ये है माइनस फाइव प्लस थ्री के, मतलब ये आ गया टू प्लस लेमडा इन टू आई प्लस सिक्स जे माइनस में टू के। फर्दर इसे किसी वेक्टर के मान लेता हूं, इक्वल अंकित वेक्टर एस के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एस अब मैं निकालता हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं राइट। मॉडुलस में आपको पता है यहां पर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा टू प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू लेमडा फोर लेमडा प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर। इसे फर्दर सॉल्व करो, ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस फोर लेमडा छत्तीस चार चालीस और चौवालीस फोर्टी फोर। ये फर्दर स्मॉल आर के इक्वल मान लो, ठीक है। अब ये जो वेक्टर एस हमें दिया हुआ था, इसका बेटा मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर एस का होगा गिवन वेक्टर अपॉन में इट्स मॉडुलस होगा वैसे तो, और गिवन वेक्टर आपको याद है अलंकृत दिए था टू प्लस लैम्डा इनटू आई। अब ये पूरा लिखने की बजाय ना, रूट का टर्म लिखने की बजाय मैं इसकी जगह ये स्मॉल आर ही लिख रहा हूँ नीचे, प्लस सिक्स जे माइनस टू के। इसे बेटा मैं आर की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, उसकी जगह वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा तभी मैं उसे ऐसे लिख रहा हूँ, टू प्लस लैम्डा बाय आर टू आई प्लस सिक्स बाय आर इंटू जे माइनस टू बाय आर इंटू के, ठीक है याद रखना। इसे मैं इक्वेशन नंबर वन, इसे वन दे रहा हूँ एक्चुअली, ये जो आर की आई थी वैल्यू, और इसे टू दे रहा हूँ याद रखना, ठीक है। अब उन्होंने एक बात और बोली थी क्वेश्चन में कि भाई जो स्केलर प्रोडक्ट है आई प्लस जे प्लस के का और ये जो यूनिट वेक्टर एस आया है इसका, यूनिट वेक्टर एस वेक्टर ए और वेक्टर एस का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ था, वन दिया हुआ था, याद है ना। तो वेक्टर ए कितना था आपको अगर याद हो तो, ये अलग से क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वेक्टर ए हमें दिया हुआ था आई प्लस जे प्लस के। तो भैया इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपने, टू प्लस लेमडा ओवर आर इंटू आई प्लस सिक्स बाय आर इंटू जे माइनस टू बाय आर इंटू के साथ, ये वन दिया हुआ, ठीक है अलंकृत। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसा कि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई वन होता है, तो ये वन इंटू में टू प्लस लेमडा ओवर में आर होगा प्लस ऐसे ही जे में वन इंटू में ये सिक्स ओवर आर होगा और वन इंटू में माइनस टू बाय सेवन, नहीं माइनस टू बाय आर, वो आप उसी स्टेप से कॉन्टिन्यूशन देख सकते हैं। एलसीएम लीजिए आर, ये आ गया टू प्लस लेमडा प्लस सिक्स माइनस टू, माइनस टू और प्लस टू को काट ले, लेमडा प्लस सिक्स ओवर आर इक्वल टू आ गया वन, लेमडा प्लस सिक्स हमारा आ जाएगा आर। अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं अलंकृत, लैम्डा प्लस सिक्स आ जाएगा, सिक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर। इसे बेशक नंबर थ्री दे दे, और उसे शायद मैंने क्या दिया था, नंबर वन दिया था, वन और थ्री को कंपेयर कर लो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स प्लस टू इंटू लैम्डा इंटू सिक्स ट्वेल्व लैम्डा। और आर की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो ये थी रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा प्लस फोर्टी फोर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट दो, तो यहाँ बच गया लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा प्लस फोर्टी फोर, यहाँ पर है लैम्डा स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स लैम्डा प्लस ट्वेल्व लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर को काट दो, ये फोर लैम्डा को लेफ्ट में ले आ भाई, थर्टी सिक्स को इधर ले आ, ठीक है यहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 44 माइनस 36 व्हिच इज 8, 12 में से 4 गए 8, तो लैम्डा कितना आ गया 1 आ गया। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, और हमें ये लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14, प्लीज रीड कीजिए। If A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitude,
show that the vector c vector dot d vector is equals to 15 is equally inclined to a vector, b vector and c vector. वेक्टर ए बी और सी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. हमें ये शो करना है कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ये इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के. राइट, क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, सीधा सॉल्यूशन करता हूं. देखो हमें ये दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी जो है वो हमारा लैम्डा के इक्वल है. लेट कर लो है. ये भी गिवन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में वो परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उनके डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है. तभी ए डॉट बी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है, सी डॉट ए भी जीरो है. इन्हें नंबर दे दीजिए, इसे वन और इसे इक्वेशन नंबर टू. अब लेट कर लीजिए, लेट थीटा बी डी एंगल. थीटा मैं कोई एंगल मान रहा हूं बिटवीन वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बताइए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, या इकट्ठा कोई वेक्टर है ठीक है ना, इनटू में कॉस थीटा. और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को मैंने लैम्डा माना, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कॉस थीटा आ गया. ठीक है, इसे आप नंबर थ्री दे दीजिए. अब आपको ये भी बात पता है कि अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी. और आपको ध्यान है ये तीनों चीजें, अच्छा इसमें वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए की तो जगह क्या आ जाएगा अलंकृत, मॉडुलस ऑफ ए का, अभी से कोई नंबर मत दियो है, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर. और ए डॉट बी जीरो था और ए डॉट सी भी जीरो था, ये चीज आ गई आपकी. आप चाहे ये कहां से आया आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन नंबर टू से ये चीज आई है. तो मेन हमारे पास बच गया मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में लैम्डा टाइम मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी. ठीक है ना, इतना बच गया. और ये जो इक्वेशन नंबर वन थी, थोड़ा सा मैं इसे और इलैबोरेट कर दूं, अगर मॉडुलस ऑफ ए अगर हमारा लैम्डा है तो मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसे नंबर थ्री दे दो आप, और यहां पर इसे नंबर फोर दे दो, और थ्री और फोर को कंपेयर कर लो. अगर थ्री और फोर को कंपेयर कर लोगे, यहां आप लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर इसकी जगह, और ये क्या था, ये कॉस थीटा भी था भाई इसके साथ है, लैम्डा टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा भी है, ये इसके साथ यहाँ कॉस थीटा भी है, याद रखना. ठीक है, तो मतलब हमें ये लैम्डा से एक लैम्डा आप काट सकते हो अलंकृत, और कॉस थीटा की मेन वैल्यू निकालनी है, वो आ गई लैम्डा अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी आ गई. और यहां से अगर आपको थीटा निकालना है तो वो आ गया कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका मॉडुलस. ठीक है ना, ये चीज आ गई. राइट, अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं. सिमिलरली थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और इसे भी सॉल्व करोगे ना
तो यही चीज आएगी सेम जो पहले में आई थी, दोबारा सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। और सिमिलर और एंग सिमिलरली थीटा भी द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी आ जाएगा कॉस इनवर्स में लैम्डा अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हर बार जो ये अपना थीटा है ये सेम आ रहा है, कॉस इनवर्स लैम्डा ओवर मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी के इक्वल है। दस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, राइट, इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यही था अलंकृत, हमें यही प्रूव करना था इक्वली वो इंक्लाइंड है, बस थोड़े से रह गए, फटाफट चार क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, 15 पढ़ लीजिए आप। Prove that a vector plus b vector dot a vector plus b vector is equals to a vector का modulus square plus b vector के modulus का square if and only if a vector b vector are perpendicular given that a vector not equals to null vector and b vector not equals to null vector. Okay. पहले मैं आपको लिख के समझाता हूँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है वाला, हमें ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका डॉट प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन में जो गिवन है पहले मैं लिख देता हूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी वेक्टर का ना, ये हमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर के इक्वल है, और ऐसा तभी है जब ए और बी परपेंडिकुलर है, और ये भी दिया कि ए जो है नल वेक्टर के है नहीं इक्वल, और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्लास सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने की कोशिश करते हैं, वो हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, ये फर्दर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, और ये आप सभी को पता है ये मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया, और आपको ये भी पता है बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों की जगह आप ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर आ गया, ये ध्यान, थैंक यू सर, ये चीज इतनी आ गई, राइट। अब इसके बाद अलंकृत ध्यान दे, ये इसे मैं इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ, कोई वन दे देता हूँ, राइट। अब इसके बाद एक और कंडीशन उसमें गिवन थी कि ए और बी जो है परपेंडिकुलर है, और मैं बार बार कहता हूं अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो डॉट प्रोडक्ट है ए और बी का वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज, ये वाली जो चीज है ये जीरो हो जाएगी, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो मतलब इसे नंबर टू दे दो और वन और टू को आप कंपेयर कर लो, अगर आप कंपेयर करोगे, ये कंडीशन लगाई है हमने, तो ये चीज आ जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेफ्ट साइड तो यही सेम है, ये मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, मतलब मेरा कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे आप कुछ नया नाम दे देते हैं थ्री, और सेकंड में मैं लगा रहा हूं कि अगर ए जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है किसके, वेक्टर बी के, तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस, मतलब ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी ही रहेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ ए
वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर नहीं होगा अनलेस जब तक डॉट प्रोडक्ट आपका तो वेक्टर ए और बी का जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी प्रूव हो गई कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के होल स्क्वायर के तभी इक्वल है जब वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। और हम कह सकते हैं वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, राइट। अब अलंकृत मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। If theta is the angle between two vectors A vector and B vector, then A vector dot B vector is greater than equal to zero only when A part theta is between 0 to pi by 2, B part theta is greater than equals to 0 less than pi by 2, and C part theta is greater than 0 less than pi, or D part theta is greater than equal to 0 less than equal to pi. ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दो वेक्टर हैं ए और बी, ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, और इक्वल टू जीरो है। इस चीज का मतलब क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, वो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए या तो पॉजिटिव होना चाहिए या मॉडुलस ऑफ बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, विच फर्दर इम्प्लीकेट अगर ऐसा होता है तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा अलंकृत तो थीटा जीरो और पाई बाय टू के बीच में भी लाई करेगा और उसके इक्वल होगा, यानी कि बी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट पार्ट है। 17th Let A vector and B vector be two unit vectors and theta is the angle between them. Then A vector plus B vector is a unit vector if A part theta is pi by 4, B part theta is pi by 3, C part theta is pi by 2 and D part theta is 2 pi by 3. Solve करके देखते हैं इसे। 17 था ये। अगर ये given है unit vector है तो आपको पता है unit vector वो होते हैं जिनका modulus 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी भी वन हो, दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग कीजिए। और इसका फर्दर क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ इसका होल स्क्वायर की कि भाई उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ये जो है वन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, आपको डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लस ये आ जाएगा वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी, और आपको पता ही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर ए इनटू बी और बी इनटू ए तो एक ही बात है, तो डायरेक्टली इसे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी भी लिख सकता हूं और इसे मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। आप सभी को पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, पर क्रॉस में एक बात नहीं होती, राइट। तो बेटा अब मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया था, 1 दिया था और ये भी 1 दिया हुआ था। अब बस इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ इक्वेशन 1 ही दे देता हूँ दोनों को। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया। एक ये 1 और 1 कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी जो है कितना आ जाएगा, अच्छा एक कॉस थीटा भी था इसके साथ, एक सेकेंड रुको, ये ट्वाइस ऑफ ए बी था। अब थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई करूं, चलो पहले आपके लिए यही लिख देता हूं स्टेप, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी जो है अलंकृत वो माइनस वन आ रहा है। अब ए डॉट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया माइनस वन, और ये मॉडुलस ऑफ ए फर्दर वन है, ये भी वन है इनटू कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, कॉस थीटा आ जाएगा माइनस वन बाय टू। अब इतनी बेसिक ट्रिक हो तो आपको पता ही है, माइनस वन बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आने से रहा टू पाई बाय थ्री पे आ रहा है, मतलब थीटा हो गया टू पाई बाय थ्री, यानी कि जो आपका डी पार्ट है वो करेक्ट है, राइट। ये ध्यान रखना।
ओके अलंकृत, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए। द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप इज ए पार्ट 0, बी पार्ट -1, सी पार्ट 1 और डी पार्ट 3। पहले मुझे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा आपके लिए। एक्सप्रेशन में आई जे और के आपको पता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, I डॉट J क्रॉस K प्लस यूनिट वेक्टर J डॉट I क्रॉस K प्लस यूनिट वेक्टर K I डॉट J, और सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट में बेटा आपको ये बात पता है अलंकृत, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। I डॉट J जो है, देखो मैं ये चीज आपके लिए चलो रिमाइंड करा देता हूं, आई क्रॉस जे हमारा के के इक्वल होता है, जे क्रॉस के हमारा यूनिट वेक्टर आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जो है फर्दर जे के इक्वल होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के भी वन होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जीरो होते हैं। तो जे क्रॉस के की जगह आप आई लिख देना, ऐसे ही I क्रॉस K की जगह आप यूनिट वेक्टर J लिख देना और I डॉट J की जगह आप यूनिट वेक्टर K लिख देना। आगे आपको पता है ये डॉट है बीच में है, तो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो आंसर हमारा 3। एक मिनट रुको, ये जो I यहाँ पर I डॉट K है यहाँ पर राइट, और यहाँ पर K डॉट I है, तो I डॉट K तो माइनस के इक्वल हो जाएगा राइट, तो ये माइनस वन आएगा, ये कैंसल और आंसर वन आ जाएगा। ठीक है yes. याद रखना है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 19th। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू ए पार्ट 0, बी पार्ट पाई बाय 4, सी पार्ट पाई बाय 2, डी पार्ट पाई। Coming to last question of this video. Theta आपको क्या दिया हुआ है? Theta is the angle between vector A and vector B. और जो dot product है modulus का vector A और B का वो दिया हुआ है, modulus of vector A इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही है अलंकृत फॉर्मूले हैं। और ए क्रॉस बी वैसे क्या होता है? ए क्रॉस बी से ए बी साइन ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो साइन थीटा भी मॉडुलस में ले रहा हूं। इसे वन दे दो, इसे टू दे दो, और हमें ये चीज गिवन थी शायद कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल है उनके मॉडुलस, और ये अगर आपस में इक्वल है तो इसकी जगह वैल्यू डालो, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा फर्दर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। ये काट दो भाई, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू आ गया मॉडुलस ऑफ साइन थीटा, इसे इसके नीचे ले आओ, यहाँ वन रहने दो, तो ये मॉडुलस ऑफ साइन बाय कॉस मॉडुलस ऑफ टेन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है tan theta 1 आ रहा है, 1 की जगह tan pi by 4 लिख दो, theta हमारा कितना आ गया pi by 4 आ गया, और part अगर choose करोगे तो b part is the correct answer। तो class इस video के साथ हम vectors की NCERT से videography आज over कर रहे हैं, thank you।